भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको विजयादशमी यानी दशहरे की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को विजयादशमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आप सभी उन्नति करें, प्रगति करें, फले फूले, आगे बढ़े तथा स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। भगवान श्री राम की भरपूर कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहे। विजयादशमी का महापर्व आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक भगवान श्री राम ने मां जगदम्बा की आराधना की थी और 9वें दिन आराधना उनकी संपन्न होती है और ठीक 10वें दिन रावण का वध उनके माध्यम से होता है। रावण एक प्रकार की बुराई है जिसका वध प्रभु श्री राम कर देते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। वही दिव्य कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार के रूप में प्रभु श्री राम का प्रागट्य अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ हुआ था। प्रभु श्री राम जब अयोध्या में आए थे तब उनका नाम राम नाम से जो है नामकरण हुआ था। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे और उन्होंने मनुष्यों की भांति ही अपना सभी कर्म विधि विधान से किया और उसके बाद में उन्होंने जो है विद्या को प्राप्त किया तथा समस्त दैत्यों का संहार करते हुए अंत तो गत्वा जब सीता माता का हरण रावण के द्वारा किया गया था उसके बाद रावण का वध प्रभु के द्वारा किया गया था। और इसी तरह हम विजयादशमी को विजय पर्व के रूप में मनाते हैं और बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का यह महापर्व होता है। इसलिए हम सभी एक दूसरे को मिलकर के बधाइयां देते हैं। चूंकि बुराइयां संसार में बहुत व्याप्त है और इसको समाप्त करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। हम सभी मिलकर के विजयादशमी के इस पर्व पर यह संकल्प करें कि संसार में जितनी भी बुराइयां हैं उन सबका नाश हो जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा लंकेश्वर रावण पर विजय की कहानी आदि काल से परंपरा से चली आ रही है। इसी स्मृति में विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया है। आदि ग्रंथ ऋग्वेद में उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधयत कहा गया है, अर्थात हे आर्य पुरुष उठो, विजय को प्राप्त करो, तेरी भुजाओं में बल है, तुझे कौन जीत सकता है। आदि सूत्र इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वह तोप तलवार से प्राप्त की जाने वाली विजय नहीं थी। उसके मूल में सेवा धर्म प्रमुख था, सदाचार था, मानवीय गहन संवेदना, दया, करुणा, प्रेम, सहानुभूति जैसे गुणों द्वारा प्राणी मात्र पर विजय प्राप्त करने की बात थी। जिन्हें प्रभु राम के जीवन में हम देखते हैं, राम के इसी आदर्श और गुणों का गायन गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस नामक एक ग्रंथ में किया है, जिसे राम लीला के रूप में विजयादशमी पर्व पर मंचन भी किया जाता है। हमारे सनातन धर्म में कई ऐसे महापर्व है जो हमारी सांस्कृतिक विजय के प्रतीक बन जाते हैं। मानव जीवन में पर्वों और त्योहारों का बड़ा ही महत्व है। वे हमें अपने अतीत की समृद्धियों से जोड़ते हैं तथा हमें कुछ अच्छाइयां सिखा करके जाते हैं। भले ही वो परंपराओं के रूप में चले आ रहे हैं लेकिन जन जीवन को निश्चित तौर से उनको एक नव चेतना तथा नव ऊर्जा का संचार प्राप्त होता है और एक प्रेरणा उसे प्राप्त होती है। एक पर्वत के बाद दूसरे ऊंचे शिखर पर चढ़ना, पर्वों की उपयोगिता यह है कि राष्ट्र को उन्नति के शिखरों तक ले जाते हैं। भगवान श्री राम की विजय दिखा करके रावण का पुतला फूंक देना एकमात्र पर्व नहीं है,
बल्कि हमें इस पर्व से यह शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि संसार में जितना भी अन्याय हो रहा है, अनैतिक काम हो रहा है, बुराइयां हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है और भी कई प्रकार के कुकर्म जो कि निरंतर होते हैं, उन सब को जो है हमें संकल्प के रूप में समाप्त करना चाहिए और उन सबको समाप्त करने की हम सबको प्रतिज्ञा धारण करना चाहिए। विजयादशमी पर प्रभु श्री राम का हम सभी स्मरण करते हैं। रामलीला में उनके चरित्र और गुणों का गायन होता है। श्री राम एक अवतारी पुरुष के रूप में थे। राजा दशरथ के घर उनका प्रागट्य हुआ था, उनका जन्म हुआ, किंतु अपने पावन चरित्र और सद्गुणों के कारण वे भगवान श्री राम कहलाने लगते हैं। गुणों की ही पूजा होती है, गुणों के कारण देवताओं की पूजा हम करते हैं। श्री राम कृपा आदि को हम पूजते हैं, दशरथ और वसुदेव की पूजा कोई नहीं करता है, केवल जो है प्रभु के गुणों का ही पूजन किया जाता है। कभी किसी कुल में ऐसे महापुरुष भी जन्म लेते हैं जिनके पैदा होने से कुल का नाम ही बदल जाता है। सूर्य कुल में राम के पूर्वज राजा रघु इतने प्रतापी राजा थे कि सूर्य कुल का रघुकुल नाम से प्रख्यात हो जाता है। आगे राम रघुकुल सूर्य बनते हैं साक्षात भगवान के रूप में। प्राचीन ग्रंथों में भगवान, देवता, ईश्वर आदि नाम परिभाषित है। यहां भगवान शब्द की परिभाषा कई प्रकार से की गई है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य शौर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञानं वैराग्ययोश्चैव शश शभंग इति रणा। अर्थात संपूर्ण ऐश्वर्य, शौर्य, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य इन छह गुणों को भग कहा गया है और यह भग जिसे प्राप्त होता है उसे भगवान माना जाता है। भगवान बनने के लिए उपयुक्त छह गुणों का सामंजस्य होना बहुत आवश्यक होता है जो कि एक दूसरे के पूरक होते हैं। अकेले ऐश्वर्यशाली को कभी भगवान नहीं कहा जाता है। ऐश्वर्य के साथ शौर्य भी होना चाहिए, प्रताप भी होना चाहिए, दया भी होना चाहिए, क्षमा भी होना चाहिए, सद्भावना होना चाहिए और ऐसे सभी गुणों से युक्त जो मनुष्य होता है उसे भगवान कहा जा सकता है, वरना ऐश्वर्य तो कोई भी छीन ले जाएगा। ऐश्वर्य और शौर्य को पाकर दूसरों पर अत्याचार करने वाला कभी भगवान नहीं बन सकता है। उसका यशस्वी होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। वह दूसरों को आश्रय देने वाला बने और अपने आश्रितों को सद्मार्ग दिखाने वाला बने और उसके अंदर कई प्रकार के अद्भुत और विलक्षण जो है ज्ञान होना आवश्यक होता है। उपरोक्त गुणों के रहते यदि त्याग, भावना, वैराग्य नहीं तो भगवान कहलाने योग्य नहीं है। अतः सर्वस्व त्याग करने की क्षमता मनुष्य के अंदर होना चाहिए। इन छह गुणों का समुच्चय जिनके चरित्र में हुआ है वह भगवान कहलाते हैं। प्रभु श्री राम का एक आदर्श जीवन है, मर्यादित जीवन है। अपने बाल्यकाल से लेकर के युवावस्था और रावण का अंत करने तक उन्होंने कई प्रकार के अपने अंदर जो विलक्षण गुण दिखाए हैं वो बड़े ही सराहनीय है और एक एक बात, एक एक चरित्र प्रभु राम के जीवन से सीखने योग्य है और प्रत्येक मनुष्य को प्रभु राम के आदर्श जीवन से सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि एक मनुष्य का जीवन कैसा होता है। पिता के प्रति उन्होंने जो अपने कर्तव्य को निभाया, जो आज्ञा पालन की, तथा माता के प्रति, माता हालांकि उनकी इतनी खराब थी उसके बावजूद भी उन्होंने माता की आज्ञा का पालन किया और वनवास को चले गए। ऐसे प्रभु श्री राम जो है किसी भी प्रकार का माया मोह न करते हुए वन में चले जाते हैं और सभी प्रकार से वहां पर मर्यादा का पालन करते हैं। अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ लगातार निरंतर वन में निवास करते हैं और 14 वर्ष तक उन्होंने वन में निवास किया और उस दौरान ही सीता माता का अपहरण हो जाता है। उसके बाद रावण जब उनकी पत्नी का हरण कर लेता है तो वह बाली का जो है वध करता है और सुग्रीव से उनकी मित्रता होती है तथा उनके सबसे परम प्रिय दूत हनुमान जी का भी वहां पर मिलन होता है।
उसके बाद प्रभु श्री राम वानर सेना अपनी तैयार करते हैं और उसके बाद रामेश्वरम पे जो है भगवान भोलेनाथ की आराधना करके वहां पर रामेश्वरम की स्थापना करते हैं तथा सेतु बंध का निर्माण करते हैं। वह कार्य भी स्वयं अकेले नहीं करते हैं बल्कि अपनी सेना के साथ में मिलजुल करके सबको यथोचित मान सम्मान देकर ही यह सेतु बंध का निर्माण किया जाता है और उसके पश्चात लंका पर चढ़ाई करते हैं और लंका से धुतकारे हुए निकाले गए विभीषण को वह आश्रय देते हैं, अपनाते हैं, उससे मित्रता होती है। उसके पश्चात राम और रावण का युद्ध होता है। दोनों का भयंकर युद्ध कई दिनों तक चलता रहता है। उस बीच में कई राक्षसों का वध हो जाता है और उसके पहले जो है कुंभकर्ण मेघनाद आदि का भी वध हो जाता है। उसके बाद सबसे अंत में रावण का वध प्रभु श्री राम के द्वारा आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को होता है और इसी महापर्व को हम सभी विजयादशमी के रूप में मनाते हैं, विजय पर्व के रूप में मनाते हैं। यानी रावण चूंकि विद्वान था, ब्राह्मण था, लेकिन उसके अंदर कई प्रकार की बुराइयां थी। चूंकि प्रभु की वह एक लीला थी और रावण के अंदर की बुराइयों का शमन उन्हें करना था और उसे मोक्ष पद की प्राप्ति करवानी थी, इसलिए प्रभु ने यह सब लीला की। यह सब प्रभु की लीला ही थी और कोई कुछ और नहीं था और प्रभु ने लीला ही लीला में रावण का वध करके उसको मोक्ष प्राप्त करवाया था। इस तरह विजयादशमी विजय का पर्व माना जाता है और इस दिन को स्वयं सिद्ध दिन माना गया है। धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्र में जो 3.5 अबूझ मुहूर्त माने गए हैं उनमें विजयादशमी भी अबूझ मुहूर्त के रूप में माना जाता है। विजयादशमी के दिन आप कोई भी नया काम करोगे, शुभ कार्य करोगे तो वह परम कल्याणकारक आपके लिए सिद्ध होगा। इसके अलावा विजयादशमी के दिन हमको जो है अपराजिता देवी का पूजन अर्चन करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन शस्त्र का पूजन भी किया जाता है, यानी तलवार, भाले, त्रिशूल, अने जो भी शत्रु को संहार करने के शस्त्र होते हैं उन सभी का पूजन इस दिन संपन्न करना चाहिए और विजयादशमी के पर्व को बड़े ही धूमधाम, प्रेम और सौहार्द के साथ मनाना चाहिए। तो भक्तजनों, इस प्रकार विजयादशमी की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्र भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने विजयादशमी की दिव्य कथा का श्रवण किया है। कथा सुनने के बाद यदि आप दान स्वरूप धन राशि प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धन राशि प्रदान करके विजयादशमी की कथा का संपूर्ण पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।